हेलो एंड वेलकम टू सीएम सिंदौर। सीएम सिंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। योगेश, श्याम, बिहारी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। तो कल था रिपब्लिक डे, इसीलिए क्लास नहीं हुई थी, है ना। तो आज की कोट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, है ना। सही बात है ना। समय बोलते ना कभी वापस नहीं आता है, और समय के पास इतना समय नहीं होता कि तुमको दोबारा समय दे दे। इसलिए जो टाइम तुम्हारे पास है उसका यूटिलाइजेशन करो, है ना। टाइम को वेस्ट मत करो। एक एक मिनट अभी कीमती है। एज जब बढ़ जाएगी, जब एज लिमिट खत्म हो जाएगी, तब इन चीजों का एहसास होगा। इसलिए उस समय तक इंतजार ना करके अभी ही समय का यूटिलाइजेशन कर लो। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, है ना। देखो पहला क्वेश्चन। हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है इनमें से। देखो, पद्मा अवार्ड बारे में घोषणा हो चुकी है कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसको किसको मिलने वाला है। ठीक है, उसमें बहुत से लोगों को शामिल किया गया है। 100 से भी ज्यादा लोगों को तो पद्मश्री दिया जा रहा है, बाकी पद्म विभूषण और पद्म भूषण फिर अलग है ना। तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया। सुभाष, रक्षा, मंजीत, शिवाजी राजा और मनीषा, तनय, रविराज। गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। चलो, तो यहाँ पर जो है मिथुन चक्रवर्ती, वैजंती माला और बिंदेश्वर पाठक, ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा। इन सभी को दिया जा रहा है। ठीक है, इन सभी का नाम जो है अनाउंस कर दिया गया है ना। हर्षित को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो शुरू कब हुआ, जिस साल भारत रत्न शुरू हुआ, यानी कि 1954 में ही पद्मा अवार्ड शुरू हो गया था। लेकिन पद्मा अवार्ड जब 1954 में शुरू हुआ, तब इसका नाम पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण नहीं था। तब ये पद्म विभूषण बोले जाते थे। क्या बोले जाते थे? पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। उसके बाद इसको कुछ समय के बाद में तीन भागों में बांटा गया, यानी कि पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, नहीं तो पहले इसको सिर्फ पद्म विभूषण ही बोला जाता था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इन सभी को, यानी मिथुन चक्रवर्ती को, वैजंती माला को और बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया जा रहा है। उसके वैजंती माला जो है, ये कौन है? ये एक्ट्रेस है पुरानी, तुम्हें पता होगा। अगर तुमने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो वैजंती माला का नाम पता ही होगा, है ना। माली जी को सीताराम, और रोहित गुड मॉर्निंग, है ना। पप्पू सिंह और सुमित गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ गए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अगर बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न जो है इसके बाद, यानी कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो पद्म विभूषण है। ठीक है, पद्मा नहीं, पद्म विभूषण। सारे पद्म अवार्ड को नहीं बोल सकते अपन, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, बहुत से लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन अपन कुछ ही नाम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो मेरे पीछे फोटोज भी लगी हुई है ना, बहुत से लोगों को जिनको दिया जा रहा है उनकी फोटोज है ये। चलो गुड मॉर्निंग रितु और योगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, है ना। देखो नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है इस साल। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो, हाँ, 100 से भी ज्यादा लोगों को दिया है, बिल्कुल 132। ठीक है, गणतंत्र दिवस के इस साल के मुख्य अतिथि कौन रहे। देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने तुमको बताया था कि भारत के जो विदेश मंत्री है, यानी कि एस जयशंकर, उन्होंने एक देश को भारत के लिए लक्ष्मण बोला था, है ना। भारत राम है तो वो देश लक्ष्मण है, ऐसा बोला था। ऐसा उन्होंने किस देश के लिए बोला था? तो फ्रांस के लिए बोला था। किसके लिए बोला था? फ्रांस के लिए। ठीक है, फ्रांस को भारत का लक्ष्मण बताया था उन्होंने। ठीक है, फ्रांस से कभी भी हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए, जैसे हमारे रिश्ते अब कैनेडा से खराब होते जा रहे हैं, फ्रांस से कभी भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत में क्या रहे इस बार, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तुम्हें पता होगा कि रिपब्लिक डे में हम लोग फॉरेन के किसी बड़े नेता को या किसी मंत्री को हम लोग बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे तुम्हारा प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, हम बुलाते। तो इस साल हमने इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया। अच्छा, एक बात बताओ, 1950 में जब पहला रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, पहला रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ था, तो उस समय पर हमने किनको बुलाया था, अगर पूछा जाए किनको हमने एज अ चीफ गेस्ट भारत बुलाया था 1950 में, जो पहला रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था, तो बोलना पहले थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। उनका नाम था सुकर्नो। क्या नाम था?
सुकर्नो उनका नाम था, ठीक है, सुकर्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो। ये पहली बार भारत में आए थे क्या बन के, चीफ गेस्ट बन के, 1950 में, ठीक है, ध्यान रखना, भागीरथ को आशीर्वाद, ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ये। इस साल जो है कितनी झांकियां सिलेक्ट हुई थी तुम्हारा वहां पर क्या कहते हैं परेड में, कितनी झांकियां सिलेक्ट हुई थी अगर तुमने देखा हो तो, अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां सिलेक्ट होती, उनमें से एक श्री राम मंदिर का भी, मतलब श्री राम लला की भी झांकी थी, अगर तुम्हें पता हो कितनी जगह की झांकियां सिलेक्ट हुई थी ये बताना, है ना। ये देखो, ये इमैनुअल मैक्रोन की फोटो है, ये राष्ट्रपति है फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहां पर तुमको यूनेस्को का मुख्यालय मिलेगा, है ना। चलो, 16 स्टेट्स, बिल्कुल 16, है ना, 16 जगहों का जो झांकी है उसको। अच्छा, अगर तुमको झांकी देखना है सामने से, यानी कि रिपब्लिक डे के बाद इन झांकियों का होता क्या है, कभी सोचा है क्या होता है? इतनी सुंदर सुंदर झांकियां बनाई जाती है, कुछ नहीं होता, जैसे ही रिपब्लिक डे खत्म होता है तो इसको जो है दूसरी तरफ अलग से लगा दिया जाता है, जहां पर आम इंसान जाके इसको सामने से देख सकता है, ठीक है, अलग से इसको लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? गोल्ड रिजर्व की बात हो रही है, गोल्ड रिजर्व यानी कि सोने का भंडार, है ना, गोल्ड रिजर्व, हमारे पास कितना सोना है, और कौन सा देश इसमें टॉप पर है? भारत टॉप 10 में है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है, गोल्ड रिजर्व के मामले में, मतलब भारत के पास बहुत सारा सोना है, ठीक है। भारत जो है ये 9th नंबर पर है, कौन से नंबर पर है? 9th नंबर पर है भारत, पूरे विश्व की बात कर रही हूं मैं, पूरे विश्व में 9वें नंबर पर भारत है, जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, टॉप 10 में आ रहा है। पहले नंबर पर कौन सा देश आएगा? तो यूएसए आएगा, कौन सा देश आएगा? यूएसए। दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर कौन आएगा? सेकेंड नंबर पर आएगा जर्मनी, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए है। दूसरे नंबर पर कौन है? जर्मनी है। 9वें नंबर पर कौन है? भारत है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, 9th नंबर पर है। जय जिनेंद्र, जय हिंद, ठीक है। गोल्ड रिजर्व मतलब समझते हो ना, जैसे हम लोग घर में सोना रखते हैं ना, गोल्ड रखते हैं, उसी तरीके से भारत के पास, पूरे भारत के पास मतलब इंडिया के पास में एक गोल्ड रिजर्व है, जैसे हम लोग फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, यानी कि जो दूसरे देशों की जो करेंसी है उस रूप में जो हम लोग रखते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, कि कितना है हमारे पास। अगर किसी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, ठीक है, श्रीलंका के साथ अभी यही हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसका पूरा जीरो होने वाला था, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था अभी, इसीलिए आईएमएफ ने उसको लोन देने का फैसला किया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरीके से सोने का, गोल्ड का भी रिजर्व रखते, भारत का जो रैंक है वो 9वां है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बोलना लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो बोलना वो लंदन में है, ठीक है। चलो, ये देखो, सोना इतना मुझे मिल जाए तो फिर बस बात ही क्या है ना। चलो, गुड मॉर्निंग अंजलि, ठीक है, देखो नेक्स्ट। हाल ही में सोरैया उपग्रह किसने लॉन्च किया है? सोरैया नाम का एक उपग्रह है, ठीक है, सोरैया नाम का उपग्रह। अभय को भी गुड मॉर्निंग। ये जो उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है, कौन से देश ने इसको लॉन्च किया है? देखो, इसको उसी देश ने लॉन्च किया जिस देश ने हाल ही में 3 देशों पर अटैक किया, और तीनों इसके पड़ोसी देश है। एक तरफ पाकिस्तान पर अटैक किया, दूसरी तरफ सीरिया पर अटैक किया, और तीसरी तरफ इराक पर अटैक किया, ठीक है। इस देश का नाम है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान, है ना, जिसकी कैपिटल क्या है? तेहरान, समझ गए। इस देश ने क्या किया था? अभी 3 पड़ोसी देशों पर अपने अटैक कर दिया था, एक पाकिस्तान पे कर दिया था, एक तुम्हारा सीरिया पे, और एक इराक पे, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिस सैटेलाइट का नाम क्या है? सोरैया सैटेलाइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ईरान अभी न्यूज में है, तो बिल्कुल हो सकता है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। 2 मरुस्थल मिलेंगे, सॉरी, है ना, तुमको ईरान में 2 मरुस्थल मिलेंगे, कौन कौन से? तो उसके नाम याद रखना, दश्ते लूट, है ना, दश्ते लूट और दश्ते कबीर, समझ गए, दश्ते कबीर, ठीक है।
दो मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल तुमको कहाँ पर मिलेंगे, ये दोनों रेगिस्तान कहाँ पर मिलेंगे तुमको, ईरान में मिलेंगे। दश्ते लूत और दश्ते कबीर, ये दोनों का नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है कल रिपब्लिक डे था, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुम लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स देख लो। भारत की संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई है, यानी कि हैंड रिटन है, जो मूल कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मूल किताब है उसको हाथ से लिखा गया है। किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था उसको, ठीक है। किसने लिखा था अपने हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। कौन से स्टाइल में लिखा था, तो इटैलिक स्टाइल में लिखा था। उनकी जो राइटिंग थी वो इटैलिक, जैसे हम लोग कर्सिव राइटिंग बोलते ना, उन्होंने इटैलिक स्टाइल में इस पूरे संविधान को लिखा था। भारतीय संविधान का जो हर एक पेज है, इसको शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मतलब कि मान लो ये जो पेज है ना, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके साइड साइड को डिजाइन किया गया था, ये साइड साइड में इसके डिजाइन बनाया गया था। ये जो डिजाइन है, ये शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको सजाया था चारों तरफ से। उनमें से राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस भी शामिल है ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। गुड मॉर्निंग विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है ना, लगातार दूसरे वर्ष इस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। ये वही देश है, ये वही देश है जो कि पूरे दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर था, है ना, फर्स्ट नंबर पर, जिसको भारत ने पिछले साल दिसंबर के महीने में पॉपुलेशन के मामले में पीछे कर दिया है। समझ गए, भारत की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ पार हो चुकी है। अब जब तुम लोग सेंसस का डेटा पढ़ोगे, जो नया वाला डेटा आएगा, उसमें 140 करोड़ पार जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी, है ना। चाइना नाम का देश है जिसका जनसंख्या जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, चाइना की जनसंख्या। इसका कारण क्या है पता है, ऐसे ही कहीं की जनसंख्या कम नहीं हो जाती है। इसका कारण ये है कि चाइना ने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने बोला था कि हम अपने देश में वन चाइल्ड वन फैमिली पॉलिसी चलाएंगे, मतलब कि एक परिवार में एक ही बच्चा होगा अब से, ऐसा उसने कुछ समय पहले बोला था। लोगों ने वही किया, अब एक परिवार में एक बच्चा पैदा होगा तो भाई यंगस्टर्स का जो तादाद है वो तो कम हो जाएगा, बुजुर्गों का तादाद बढ़ जाएगा। और जिस देश में बुजुर्गों की तादाद ज्यादा होती है, यंगस्टर यानी युवा की तादाद कम होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि देखो, युवाओं की तादाद अगर कम होगी तो वर्क फोर्स नहीं मिलेगा, काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, काम करने के लिए अगर इंसान नहीं मिलेगा वो तो अलग चीज है। बुजुर्गों की तादाद बढ़ेगी तो वहां पर जो है हेल्थ केयर का खर्चा और तुम्हारा जो है पेंशन का खर्चा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और युवा कम है तो तुमको कमा के कौन देगा, तो जीडीपी भी खतरे में। उसके बाद जो है मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है, लेबर भी तीन नहीं है तुम्हारे पास कोई काम करवाने के लिए। जापान और चाइना दोनों की यही हालत है, जापान की भी यही हालत है, वहां पर भी बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और चाइना की भी यही हालत है। ध्यान रखना, चाइना के जो राष्ट्रपति उनका नाम है जी जिनपिंग, और वो कब तक रहेंगे किसी को नहीं पता, समझ गए। शॉर्ट वीडियो, गुड मॉर्निंग। चाइना में जो शंघाई नाम का एरिया है वो अभी न्यूज में था, क्यों, शंघाई नाम की जो जगह है वो अभी न्यूज में थी, क्यों, क्योंकि ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो यहीं पर है। अब उससे क्या मतलब है, तो उससे ये मतलब है कि अब ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अब ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। इसी इसी महीने जनवरी के ही महीने में 5-6 तारीख को ब्रिक्स के जो सदस्य है उनको 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया, 5 नए देशों को शामिल किया गया। उसके बाद बोला गया कि ब्रिक्स का जो बैठक है 2024 में, यानी इस साल, वो रूस में होगा, यानी कि रशिया जो है वो ब्रिक्स का चेयरमैन होगा इस साल। और ब्रिक्स न्यूज में आया तो शांघाई नाम की जगह भी न्यूज में आ गई, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, है ना, चलो लाइक कर दो फटाफट जितने भी बच्चे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अयोध्या में एक मस्जिद बनाई जा रही है, समझ गए, अयोध्या में क्या बनाई जा रही, मस्जिद बनाई जा रही है, तो इस मस्जिद का नाम बदलकर, नाम चेंज कर दिया गया, तो क्या नाम रखा गया इस मस्जिद का। अगर मैं मस्जिद की बात करूं तो कल कल एक बार फिर से ज्ञानवापी
जो एरिया है ना, पता होगा तुम्हें, ज्ञानवापी, जिसको बोला जा रहा है कि पहले मंदिर था, बाद में उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो पुरातात्विक विभाग है उसने मुहर लगा दी है, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो एक मंदिर के पिलर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो पिलर जांचा गया कि किस पिलर पे, उसकी नींव जो है वो इंडियन टेम्पल की नींव है, जिसमें पूरी इंडियन टेम्पल के जो पिलर होते हैं उस तरीके के डिजाइन बने हुए हैं। जब तहखाने में गए थे अधिकारी लोग, तो तहखाने में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, कई एनिमल्स की छोटी छोटी ऐसी मूर्तियां, चित्र वगैरह मिले हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, जिसमें एक मिला है देवनागरी ग्रंथ, दूसरा तमिल कन्नड़ भाषा में शिलालेख मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे पेजेस की अपनी रिपोर्ट कल सौंप दी है, और उसमें बोल दिया है कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद नहीं मंदिर था, समझ गए। अब हो सकता है कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले, है ना। ज्ञानवापी मस्जिद का रिपोर्ट आ चुका है, ध्यान रखना इसको, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा ASI ने बोला है, ठीक है क्या। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्या नाम है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, समझ गए, ध्यान रखना इसको, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुरेश और अलोन और पीबी गेमर, गुड मॉर्निंग अलोन बॉय, ठीक है, सी, हाँ सी ही होगा आंसर इसका, एक ही जैसा नाम दिख रहा है ना, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, तो मैंने बी लगा दिया था, ठीक है, सी ही है उसका आंसर, है ना। चलो देखो नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा। अब आधे बच्चे बोलेंगे कि गृह ज्योति योजना का जो अनावरण है वो कर्नाटका में हो चुका है, तो देखो यार, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, कर्नाटका के अलावा भी एक राज्य है जहां पर सेम नाम की योजना चलाई जा रही है और काम भी इसका वही सेम है, ठीक है, वो है तेलंगाना। कर्नाटका में गृह ज्योति योजना शुरू हुई है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सही बात है, बिल्कुल तुम लोग सही आंसर लगाओगे अगर लगाओगे तो, है ना, अगर कर्नाटका ऑप्शन में होता तो कर्नाटका आंसर लगा सकते थे, लेकिन गृह ज्योति योजना तेलंगाना ने भी शुरू करी है, और तेलंगाना ने भी कर्नाटका की तरह ही शुरू करी है। इसमें क्या होगा, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, क्या दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली ये फ्री दी जाएगी, ठीक है, फ्री 200 यूनिट बिजली दी जाएगी लोगों को, कौन से लोगों को, जिनके पास बीपीएल कार्ड है। बीपीएल कार्ड किन के पास होता है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, इसका मतलब क्या होता है, कभी सोचा है क्या मतलब होता है इसका, कोई मतलब भी तो होता होगा, गरीबी रेखा से नीचे क्या इसका मतलब। देखो, हमने जिस तरीके से पृथ्वी के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा नाम की रेखा खींची है, इमेजिनरी लाइन है वो, रियल की तो कोई रेखा नहीं है, ना तो कर्क रेखा है, या ना तो इक्वेटर है, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन है, हमने इमेजिनरी रेखा खींची हुई है। उसी तरीके से हमने भारत की गरीबी को देखते हुए और गरीब लोगों को और अमीर लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को देखते हुए एक इमेजिनरी रेखा तय की है कि भाई इस रेखा के नीचे यानी कि इतनी इनकम के नीचे, इतनी आय के नीचे जो लोग आएंगे वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाएंगे, तो एक रेखा खींची है हमने, समझ गए। इस रेखा के नीचे जो आते हैं यानी कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो बहुत गरीब है, उनको हम लोग बीपीएल कार्ड देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं ये, इनको दुनिया भर की स्कीम्स का लाभ मिलता है, जितने भी भारत में स्कीम चल रहे हैं सबका लाभ इनको मिलता है। अगर लाभ नहीं मिलता है तो वो मिडिल क्लास को, समझ गए, मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा फंसी हुई है भारत में, सबसे हालत खराब जो है वो मिडिल क्लास फैमिली की है, किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है, समझ गए। मिडिल क्लास फैमिली और जनरल कैटेगरी, इन दोनों को भारत में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है, इनको किसी चीज का लाभ नहीं मिलता है ना, समझ गए। और लड़कों को, ठीक है क्या, लड़कों को भी किसी चीज का लाभ नहीं मिलता है, लड़कों को जो भी करना है अपने दम पे करना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार लड़कों को समझती क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ इस बात को, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था, इसका क्या आंसर होगा, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, है ना, जय महाकाल। देखो, हाँ, तेलंगाना के सीएम जो है वो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। क्या लिखा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी ने अपने हाथों में लिया है। अभी तक मंदिर पूरा बना थोड़ी है, देखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, अभी तक पूरा बना नहीं है, तो पूरा बना नहीं है, टाइम लगेगा बनने में।
कौन सी कंपनी इसको बना रही है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर तुम लोग शेयर मार्केट में पैसा वैसा लगाते होगे तो तुम्हें पता होगा, उस कंपनी के शेयर भी जो है तुमको देखने को मिलेगा, वो पट्टी जो चलता है जिसमें शेयर के भाव रहते हैं, उसमें L&T नाम की एक कंपनी का नाम दिखता होगा, अजय को गुड मॉर्निंग, है ना। L&T नाम की कंपनी, L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो। 1946 के टाइम पे इस कंपनी को एक मतलब दो लोगों ने बनाया था, ठीक है, दो लोगों ने शुरू किया था, जिन दो लोगों का नाम है लार्सन एंड टर्बो, ये उन लोगों का सरनेम था। जैसे मेरा सरनेम मुखर्जी है, वैसे ही उन लोगों का सरनेम था लार्सन एंड टर्बो, समझ गए। और इन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम रख दिया गया। ये भारत की बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से लेकर और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बहुत से काम ये करती है, बहुत से काम, है ना। तो लार्सन एंड टर्बो ही क्या कर रही है, राम मंदिर को बना रही है, पूरा कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो भी सामान लग रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन यही कर रही है लार्सन एंड टर्बो। अगर पूछा जाए कि इसके चेयरमैन का नाम बताओ, तो कोई अंग्रेज इसका चेयरमैन नहीं है, ठीक है। नाम ये जो है संस्थापक का, ये देख के तुम अंग्रेज चेयरमैन नहीं लगाओगे। चेयरमैन का नाम है S.N. सुब्रमण्यम। क्या नाम है? S.N. सुब्रमण्यम, ठीक है। S.N. सुब्रमण्यम जो है ये चेयरमैन का नाम है लार्सन एंड टर्बो के। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाँ, L&T का ऑफिस मुंबई में है, बिल्कुल। एक ऑफिस इनका चेन्नई में भी है, बट मेन जो हेड ऑफिस है वो तुमको मुंबई में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में इसका तुमको हेड ऑफिस मिलेगा। यहाँ पर तुमको जो है टाटा ग्रुप दिख रहा है, टाटा ग्रुप का भी हेडक्वार्टर तुमको मुंबई में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में। टाटा ग्रुप के जो संस्थापक है उनका नाम जमशेद जी टाटा था, ठीक है। चलो, 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल 2.7 एकड़ में मंदिर का जो पूरा वो है कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है ना। हाँ, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। अब देखो, संविधान के बारे में दो तीन चीजें और देखते हैं। मूल कॉपी दिल्ली में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में रखा गया, पता है कि नहीं? अब यार एक बात बताओ, बहुत पहले है ना, 1949 के टाइम पे जो है हमने अपनाया था अपना संविधान, है ना। उस समय पे हस्तलिखित संविधान था। उतना पुराना अगर तुम्हारे पास कोई किताब रहेगा तो वो किताब तुम बचा के रख पाओगे? फट वट के वो बर्बाद होके पता नहीं काया कहाँ गायब हो जाएगा इतने सालों में। इस वजह से ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट थी, संविधान की जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हाथ से लिखी गई थी, सजाई गई थी, और इसकी मूल प्रति जो है वो दिल्ली में रखी गई है। क्यों, कैसे रखी गई है? ताकि ये खराब ना हो। तो एक कांच का बॉक्स है, उस कांच के बॉक्स के अंदर हीलियम नाम का गैस भरा हुआ है। उस हीलियम गैस से भरे कांच के बॉक्स में ये ओरिजिनल वाली कॉपी जो है इसको रखा गया है। अगर तुम दिल्ली में जाओगे तो इसको तुम देख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। श्लोक को गुड मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया था? अभी अगर बनाते तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता, लेकिन क्योंकि उस समय जितना खर्चा आया था वो भी करोड़ों के समान है, तो उस समय के हिसाब से देखें तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान को बनाने में, समझ गए, 64 लाख, 64 लाख रुपए का खर्चा जो है वो आया था, ध्यान रखना इसको, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल को पीछे छोड़ दिया है इसने, और एप्पल कंपनी कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है एप्पल? एप्पल यूएसए की कंपनी है, याद रखना इसको, है ना, एप्पल यूएसए की कंपनी है। एप्पल को पीछे छोड़कर जो है सबसे मूल्यवान कंपनी वही बनी है जो 1970 के दशक में फॉर्म किया गया था, समझ गए, एस्टेब्लिश किया गया था। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। 1975 से 76 के बीच में इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को किसने बनाया था? इस कंपनी को बनाया था बिल गेट्स, है ना, बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का नाम किसी को नहीं पता, बताओ यार, सबको बिल गेट्स का नाम पता है, ये तो फिर नाइंसाफी है। पॉल एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 से 76 के बीच में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर भी तुमको यूएसए में मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका हेडक्वार्टर? यूएसए में मिलेगा। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भारत की कंपनी है। एमेजॉन भी यूएसए की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। गूगल भी यूएसए की कंपनी है। गूगल को बनाने वाले
दो दोस्त थे, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, दोनों ने दिमाग लगाया कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, है ना, एक वो बनाते हैं, सर्च इंजन बनाते हैं, एक सर्च इंजन बनाते हैं। बाद में ये कंपनी बन गई। उस सर्च इंजन का नाम इन लोग गोगल रखना चाहते थे, गोगल, लेकिन गलती से उसका स्पेलिंग जो है ऐसा हो गया और नाम इसका गूगल पड़ गया, समझ गए, गलती से पड़ा हुआ नाम है। दोनों का नाम है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, उनकी फोटो भी तुम देख सकते हो। बहुत छोटे थे जब इन्होंने इस सर्च इंजन को बनाया था। यूएसए में इसका मुख्यालय तुमको मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया, हिंदी में नाम बताना है इसका, है ना, इंग्लिश में इसका कोई नाम नहीं है। चलो लाइक कर दो फटाफट जितने भी बच्चे हो। हाँ, सत्या नडेला, बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। गूगल के सीईओ का नाम क्या है, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ, अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है, मतलब गूगल के पिताजी है वो। अल्फाबेट के जो सीईओ है उनका नाम है सुंदर पिचई, और वही गूगल के भी सीईओ है, ठीक है। चलो क्या नाम है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो, अनुवादिनी, क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, स्कूल में, है ना, स्कूल में शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा के लिए पूरे भारत में अनुवादिनी को लॉन्च किया गया, क्या है ये, डिजिटल तरीके से तुम स्कूल की शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा ले सकोगे भारत की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनके हिसाब से, है ना। 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में क्या है, भाषाएं, है ना, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं टोटल। ये 22 भाषाओं में तुमको जो है तुम्हारा सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा, जो तुम लोग चैप्टर्स पढ़ते हो ना स्कूल या हाई स्कूल का, या फिर सॉरी उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का, तुमको जो है सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। क्या उपलब्ध कराया जाएगा, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा इन्हीं 22 भाषाओं में डिजिटली, समझ गए, डिजिटली, डिजिटल रूप से। इसको कहते हैं अनुवादिनी, क्या कहते हैं इसको, अनुवादिनी नाम के ऐप के थ्रू ये सब किया जा रहा है भारत में, और ये बहुत जरूरी है। पुरानी पुरानी जो हमारी भाषाएं हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है, लोग पुरानी भाषाओं को जो है वो अपनाना नहीं चाहते, सब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अब मम्मी पापा लोग भी ऐसे हैं कि बच्चे लोग को हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं, मार मार के सिखाते हैं, बोल इंग्लिश बोल, समझ गए, तेरे को ट्यूशन भेज रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है, समझ गए, व्हाट इज योर नेम, यही सबसे पहले यही मम्मी पापा चेक करते हैं बच्चा सीख पाया कि नहीं, व्हाट इज योर नेम का सही उत्तर दे रहा है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, या शुद्ध हिंदी सीख लो, या हिंदी ग्रामर सीख, नहीं, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश, अंग्रेज बनो अंग्रेज, समझ गए। इसीलिए ये सब किया जा रहा है, भारत की भाषाएं लुप्त होती चली जा रही है। सनोज को गुड मॉर्निंग, है ना, थोड़ा सा मम्मी पापा लोगों को भी गीता वगैरह बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये जो बच्चे आजकल के बिगड़ गए हैं ना, इन लोग को जो है थोड़ा सा गीता का ज्ञान देना चाहिए, बहुत बिगड़ गए हैं आजकल के छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे लोग, बताओ गालियां दे रहे हैं, सरेआम खुलेआम गालियां दे रहे हैं, कोई उनको शर्म लाज नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर थोड़ा शिक्षा बहुत जरूरी है आजकल। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि एक देश के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जा रहे हैं, बोल रही थी एक देश ने हमारे भारत के बारे में काफी सारी उल्टी पुल्टी बातें कही, हमारे भारत के जो ऑफिसर्स हैं उन पर जो है इल्जाम भी लगाया था कि भारतीय लोगों ने जो है हरदीप निज्जर की हत्या करवाई है, ऐसा वैसा, है ना, खालिस्तानी आतंकी था जो, कनाडा नाम के देश ने बोला था, ठीक है। लेकिन कनाडा नाम के देश ने ही, वहां की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है, ये थोड़ा अच्छा चीज किया है ना, नहीं तो रिश्ते हमारे बहुत खराब हो जा रहे थे, समझ गए। तो कनाडा, लेकिन अभी फिर से 2-3 दिन पहले कुछ बोला भी है इन्होंने, फिर से बोला है, खैर वो सब छोड़ो। कनाडा नाम के देश ने क्या किया है, 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है, जय श्री राम, है ना। तो देखो कनाडा के बारे में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। पहली बात तो ये कि कनाडा का जो तट है वो दुनिया का सबसे लंबा तट है, 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है कनाडा का तट, समझते हो, तट समझते हो ना, कोस्ट। कनाडा का जो तट है वो दुनिया का सबसे लंबा तट है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई है इसकी। कनाडा में तुमको जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में यहाँ पर बीच में तुमको 5 झीलें मिलेंगी, जिसमें से एक झील का नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है, सुपीरियर झील, क्या नाम है, सुपीरियर झील, दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। यहाँ पर तुमको
फुडसन की खाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? हुडसन की खाड़ी तुमको कनाडा में ही मिलेगी। समझ गए? कनाडा में क्या मिलेगी? हुडसन की खाड़ी। कनाडा का जो दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है, दूसरा जो भाषा है कनाडा का, वो पंजाबी है, क्योंकि वहां पर पंजाबी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। समझ गए? और कनाडा के जो लीडर हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने ही उल्टा पुल्टा बयान दिया था अभी कुछ टाइम के पहले। ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की? अब ये क्या चीज है? हाँ, ओटावा इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलो। रामायण राष्ट्र ग्रंथ बनना चाहिए, तुम्हें पता है? क्या कहते हैं, उत्तराखंड की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वहां पर जितने भी मदरसे हैं ना, मदरसे मदरसे जानते हैं ना, मदरसा में जो इस्लाम धर्म के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मदरसा में राम भगवान से रिलेटेड चैप्टर को रख दिया गया है। राम भगवान बोला गया है उसमें सरकार के द्वारा कि अब हमारे यहाँ मदरसों में जो है श्री राम के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। औरंगजेब जैसा नहीं, हम चाहते हैं बच्चे श्री राम जैसा बने। कितना अच्छा फैसला है बताओ, है कितना बढ़िया फैसला है कि नहीं है? औरंगजेब जैसा बनना भी नहीं चाहिए, दुनिया भर का मंदिर तोड़ के बैठा था वो। चलो देखो यहाँ है ना, 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता जो है भारत ने अफगानिस्तान को की है। भले ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है ना, भले ही है, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी भारत का विरोध नहीं करता है। भारत ने भी उसको फुल सपोर्ट दिया। जब अफगानिस्तान के पास खेलने के लिए या क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करने का स्टेडियम तक नहीं था, तो भारत ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को स्टेडियम प्रोवाइड करवाया था। भारत ने अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की है, भले ही वहां सरकार तालिबान की है। तालिबानी लोग पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, जा जाके घुस घुस के अटैक करते हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा वो नहीं बोलते हैं। ये क्या चीज है अगर पूछा जाए तो? ये कीटनाशक है। ठीक है, क्या है ये कीटनाशक? हुआ ये है कि टिड्डियों ने वहां की खेतों को खराब करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में टिड्डियां घुस गई हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो खेत हैं उनको पूरा बर्बाद कर दे रही है। जिस तरीके से भारत में घुसती है ना पाकिस्तान वाले साइड से, उसी तरीके से वहां भी घुस गई है। समझ गए? तो ये सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टिड्डियों से लड़ने की। तो भारत ने एक तरह का कीटनाशक वहां पर भेजा है जिसका नाम है मेलाथियान। इस कीटनाशक से टिड्डियों को कंट्रोल किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। जय श्री राम बेटा, है ना? समझ गए? तो कीटनाशक भेजा है भारत ने। कितना भेजा है? 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है। उस कीटनाशक का नाम क्या है? मेलाथियान उसका नाम है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर सरकार किसकी चल रही है? तालिबान की। समझ गए? तालिबान की। हाल ही में तालिबान की सरकार ने बोला है कि कोई भी लड़की, फिर से बोला है, कोई भी लड़की अगर अकेली है, मतलब शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, या तो घर में कोई नहीं, अनाथ है, तो वो कहीं भी बाहर जो है पढ़ने वढ़ने नहीं जा सकती है। समझ गए? उसके बाद मतलब काफी सारी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है तालिबान की सरकार ने लड़कियों पर, है ना? गुड मॉर्निंग एसके आर्मी, चलो लाइक कर दो फटाफट, बहुत कम लाइक है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, और अफगानिस्तान में तुमको एक जगह मिलेगा जिस जगह का नाम है बामियान। क्या जगह का नाम है? बामियान। बामियान में कहते हैं कि बुद्ध भगवान की सबसे ऊंची दो प्रतिमाएं बनाई गई थी, उसको बम लगा के फोड़ दिया था तालिबानियों ने। समझ गए? बुद्ध भगवान की अभी भी वो फूटी हुई प्रतिमाएं जो है वो चट्टान में तुमको दिखेंगी। फोटो निकालना, फोटो में तुमको दिखेंगी फूटी हुई जो बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं चट्टान में, है ना? उसको बम लगा के विस्फोट कर दिया था तालिबान की सरकार जब इससे पहले आई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में रशिया और यूएसए दोनों ने 10-10 साल अपने सेनाओं को रखा था तैनात करके तालिबानियों से वहां के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 10 साल रशिया ने बिताया, फिर अपने ट्रूप को वापस लाना पड़ा। 10 साल यूएसए ने बिताया, फिर उसको भी अपना ट्रूप वापस बुलाना पड़ा। जैसे ही यूएसए ने अपना ट्रूप वापस बुलाया, दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। समझ गए? वहां के लोग चैन से कभी नहीं रह पाते हैं। हाल ही में मिशन AX3 किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन AX3 है ना, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? SpaceX, नासा, इसरो, CNSA। देखो, नासा यूएसए का है, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा है। इसकी खासियत यह है कि ये सबसे ताकतवर और सबसे पैसे वाली स्पेस एजेंसी है दुनिया में। जितने भी स्पेस एजेंसी है, जो लोग रॉकेट, एयरक्राफ्ट,
उसके बाद सॉरी एयरक्राफ्ट कहती हूँ, स्पेस क्राफ्ट है ना, ये सब लॉन्च करती है, उनमें सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो नासा के पास है। नासा के चेयरमैन का क्या नाम है ये बताओ, नासा के चेयरमैन का नाम बताना मेरे को, है ना। इसका आंसर स्पेस एक्स होगा। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की, एलोन मस्क की ये कंपनी है। एलोन मस्क का बहुत मन था कि वो क्या कहते हैं स्पेस के क्षेत्र में भी काम करे, रॉकेट वगैरह सैटेलाइट वगैरह उनकी कंपनी बनाए। तो कहते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ पढ़ के जो है काफी सारी चीजें सीख ली थी, और फिर बाद में उन्होंने एक कंपनी खड़ी की जिसका नाम रखा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के अलावा हाँ, बिल नेल्सन, बिल्कुल सही, बिल नेल्सन जो है वो नासा के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोल सकते हो, बिल नेल्सन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नासा का गठन 1958 में हो गया था, मुख्यालय इसका यूएसए में है, ठीक है। स्पेस एक्स के अलावा टेस्ला नाम की जो कंपनी है वो भी इलॉन मस्क की कंपनी है। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। रानी को गुड मॉर्निंग, है ना, टेस्ला सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बहुत होती है। इसकी कहते हैं एक एक जो कार बिकती है वो अगर इंडियन रुपीज में देखोगे तो वो 60-70 लाख रुपए में बिकती है, एक एक कार, इलेक्ट्रिक कार, समझ गए, 60-70 लाख रुपए जो है उसका रेट होता है, बहुत महंगा बिकता है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान को क्या बोलाता है, बैग ऑफ बोरोइंग बुलाता है। कल रिपब्लिक डे था इसलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग संविधान के बारे में पढ़ ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग, मतलब हमने अलग अलग देशों से संविधान की अलग अलग चीजें ली है ना, भारत के अलग अलग सॉरी अलग अलग देशों से भारत के संविधान की अलग अलग चीजों को लिया है हमने, बैग ऑफ बोरोइंग इसीलिए बोला था। बोरो करना मतलब लेना, किसी चीज को लेना, तो हमारा जो संविधान है उसको हमने अलग अलग देशों से उठाया है, उसको इसीलिए हम लोग बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं, ठीक है। साथ में संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए। जब इसका ड्राफ्ट पेश किया गया था ना, ओरिजिनल वाला नहीं, जब ड्राफ्ट पेश किया गया था, लोगों से बोला गया था कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो उसके बाद इसमें करीब 2000 से भी ज्यादा संशोधन किया गया था, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में आईयूसीएन ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले भी पढ़ा था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार और इसको जरा देख लो, है ना, इसका क्या आंसर दे रहे हो ये बताओ। चलो लाइक कर दो फटाफट, 50 लाइक तो हो ही जाने चाहिए, 19 लोग बचे हैं, कौन है वो 19 लोग ये बताओ। हाँ, सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये दुनिया का। हिमालय वाले एरिया में एक तरह का वुल्फ मिलता है, क्या मिलता है, वुल्फ, है ना, वुल्फ मतलब भेड़िया। उस भेड़िया को जो है क्या किया गया है, रेड लिस्ट में डाला गया, असुरक्षित की श्रेणी में, किसके द्वारा, तो IUCN के द्वारा, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय तुमको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, समझ गए। ये एक बुक जारी करता है जिस बुक का नाम है रेड डेटा बुक, और इस रेड डेटा बुक में तुमको सारे जानवर और सारे पेड़ पौधों की स्पीशीज की लिस्ट मिलेगी, और अलग अलग श्रेणी में मिलेगी, कोई सा खतरे में है तो कोई सा खतरे में नहीं है, इस तरीके से मिलेगा, समझ गए। 200 के हो गया, हो गया क्या, नहीं देखा मैंने, हो गया क्या रितेश, देखना जरा, रानी बोल रही है, चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये कब मनाया गया ये बताओ। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हम लोग भारत में जो शिक्षा दिवस मनाते हैं वो अलग है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मनाते हैं वो अलग है, समझ गए। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने जनवरी में कई सारी अंतरराष्ट्रीय चीजों के बारे में दिवस मनाए, जैसे कि 10 जनवरी को हमने क्या मनाया, विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया, क्या मनाया, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया हमने 10 जनवरी को, विश्व स्तर पर मनाया। उसके बाद हमने जो है और क्या मनाया था अभी कुछ, हाँ 9 जनवरी को हमने प्रवासी दिवस मनाया, क्या मनाया, प्रवासी भारतीय दिवस। ये भी एक तरह से देखोगे तो इंटरनेशनल डे ही है ना, हो गए, वाह चलो ठीक है ना, ये भी एक तरह से क्या है, अंतरराष्ट्रीय दिवस ही है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। और अब हम लोग 24 जनवरी को क्या मना रहे हैं, 24 जनवरी को हमने मनाया है शिक्षा दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर का।
ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य के मास्टर ऑफ निश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, क्या पूछ रहा है? कौन से राज्य का बच्चा है जिसका नाम है मास्टर अवनीश, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ये जो बच्चा है ये सिर्फ 9 साल का है। कितने साल का है? 9 साल का बच्चा है। कहां से है अगर पूछा जाए तो बोलना मध्य प्रदेश से है, ठीक है, मध्य प्रदेश से है। इस बच्चे को एक बीमारी है जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं इस बीमारी को? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित ये बच्चा है। सामाजिक रूप से सेवा देने के लिए इस बच्चे को ये पुरस्कार दिया गया है। समझ गए? मध्य प्रदेश का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित है, और ये बच्चा जो है इसने सामाजिक रूप से लोगों को सेवा दी है, इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा याद रखना इसको, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये बच्चा कहाँ से है और मध्य प्रदेश में कहां से है पूछा जाए तो बोलना मध्य प्रदेश के इंदौर का बच्चा है। ठीक है, भारत के स्तर पर दिया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो तुमको नाम बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नाम नहीं भूलना है, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया हमने? कुछ राज्य है जिनका स्थापना दिवस जो है वो हम लोग अलग अलग टाइम पे, जैसे कि मैंने उस दिन तुम लोग को बताया था, 1 नवंबर को हम लोग जो है हम लोग स्थापना दिवस मनाते काफी सारे राज्यों का, जैसे कि 1 नवंबर को हम लोग मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, इन सब का स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी तरीके से 24 जनवरी को हम लोग एक स्थापना दिवस मनाते हैं जो कि हम उस राज्य का मनाते हैं जिस राज्य में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। किसका उद्घाटन हुआ? श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, जहां पर महर्षि, है ना, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट खोला गया, जहां पर तुमको दुधवा नाम का राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क मिलेगा, जहां पर तुमको पीलीभीत नाम का टाइगर रिजर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? पीलीभीत नाम का टाइगर रिजर्व मिलेगा, जहां से भारत का और दुनिया का सबसे लंबा क्रूज चलाया गया था, जिस क्रूज का नाम था गंगा विलास। क्या नाम था इस क्रूज का? गंगा विलास, ठीक है। और ये राज्य वही राज्य है जिसको बोला गया है कि दूध के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर फिर से 2023 में ये आ चुका है। समझ गए? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, है ना। और अब इसमें एक नया क्रूज भी चलाया जा रहा है, जिस क्रूज का नाम है, एक नया जो क्रूज चलेगा उस क्रूज का नाम है रामायण क्रूज। क्या नाम है? रामायण क्रूज उसका नाम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रामायण क्रूज भी यहीं पर चलाया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से। समझ गए? सबसे ज्यादा जनसंख्या है और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जिले भी है। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो अभी 75 जिले उत्तर प्रदेश में। इतने जिले भारत के किसी भी राज्य में तुमको नहीं मिलेगा, है ना। चलो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, गंगा विलास क्रूज के बारे में पूछा जाए कि ये जो क्रूज है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक चलाया गया, नदी में चलाया गया, कौन से देश से होकर गुजरा है ये? भारत के अलावा और कौन से देश के पानी से होकर ये गुजरा है? तो बोलना बांग्लादेश, ठीक है। भारत के अलावा बांग्लादेश से होकर ये गुजरा था। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, समझ गए। 1940 के दशक में इसको बनाया गया था। इसको इस तरीके का कोई भी संगठन दुनिया में नहीं है, विश्व स्तर पर ये स्वास्थ्य से रिलेटेड एक संगठन है। देखो, भारत में मान लो कोई बीमारी फैल गई, ठीक है, जैसे पोलियो फैला था एक टाइम पे, मतलब पोलियो बहुत होता था, बच्चों को पोलियो हो जाता था, स्मॉल पॉक्स फैलता था, बहुत से लोगों को स्मॉल पॉक्स होता था। जब पोलियो का उन्मूलन भारत से हो गया ना, यानी कि भारत जब पोलियो मुक्त हो गया, तो सिर्फ हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ हम अगर बोल देंगे कि हमारे देश से ये बीमारी खत्म हो चुकी है तो कोई नहीं मानेगा। जिस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल देगा कि इस देश से ये वाली बीमारी जो है ये खत्म हो चुकी है, ये देश जो है इस बीमारी से मुक्त हो चुका है, तो पूरा सारे देश मान जाएंगे। समझ गए? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या करता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बीमारियों को चिन्हित करता है,
किस देश में कौन सी बीमारी खत्म हो चुकी है उसकी एक लिस्ट बनाता है। तुम विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट में जाओगे, तुमको बहुत सी चीजें मिलेगी। तुमको कौन से देश ने किस तरह का वैक्सीन बनाया, कौन सी बीमारी कौन कौन से देश में फैली है, किस बीमारी की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है, जैसे कि मंकी पॉक्स नाम का जो बीमारी है वो कौन से देश से निकला है, इबोला वायरस कौन से देश से, सब तुमको विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा बताएगा। समझ गए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो चीफ है, जो चेयरमैन है, उनका नाम है टेड्रोस एधेनोम। क्या नाम है? टेड्रोस एधेनोम इनका नाम है। मुख्यालय तुमको कहां पर मिलेगा? मुख्यालय तुमको इसका जेनेवा में मिलेगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केप वर्डे। ठीक है, केप वर्डे इसका आंसर होगा, ध्यान रखना इसको, है ना। देखो नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में है ये बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कल क्लास ऑफ थी, हाँ कल छुट्टी थी। चलो लाइक कर दो फटाफट। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 24 से 25 करोड़ अभी बोली जा रही है। अब ऑफिशियल डेटा जब आएगा सेंसस का, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, ये जो वास्तुकला है ये कौन सी शैली में है? देखो, नागर शैली में है, बिल्कुल नागर शैली में तो है, बिल्कुल है नागर शैली में। लेकिन इसमें ना साउथ का जो शैली होता है, जिस तरीके से साउथ के मंदिर बनाते हैं, उस तरीके से एक चीज इस मंदिर में बनाई गई है, वो है इसके चारों तरफ, है ना, बीच में मंदिर है, चारों तरफ इसके बनाया जा रहा है परकोटा। समझ गए? ये परकोटा, ये जो परकोटा है ये साउथ इंडिया के मंदिरों में मिलता है, ये नागर शैली के मंदिरों में नहीं मिलता परकोटा, लेकिन राम मंदिर में परकोटा बनाया जा रहा है चारों तरफ। समझ गए? तो ध्यान रखना इसका। नागर शैली जो है, इस शैली में भारत के नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को बनाया जाता है। तुम चाहे नॉर्थ इंडिया में कहीं के भी मंदिर देखो, तुमको नागर शैली के मंदिर दिखेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिर साउथ इंडिया में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? साउथ इंडिया में। तुम साउथ में कहीं भी चले जाओ, तुमको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। अलग अलग तरीका होता है ये मंदिरों के निर्माण का। किसी में तो इस टाइप से ऊपर इस टाइप से रहता है, किसी में इस टाइप से ऊपर रहता है मंदिर के ऊपर, किसी किसी में मंदिर के ऊपर बिल्कुल सीधा रहता है, कुछ भी नहीं बनाया जाता है। तो ये अलग अलग शैलियां होती है। वेसरा शैली भी साउथ इंडिया में ही तुमको देखने को मिलेगी। वेसरा शैली के जो मंदिर है वो भी तुमको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे, साउथ इंडिया में ही मिलेंगे। और चालुक्य शैली भी तुमको उधर ही मिलेगी, ध्यान रखना इसका, है ना। अच्छा, यहाँ पर मंदिरों का देखो वो दिया है, नागर शैली के मंदिर का दिया है पूरा, है ना, किस टाइप का रहता है। देखो यहाँ पर ये जो है ये मंडप कहलाता है। ये जो मेन वाला जो रहता है ना, तुम्हारा मेन वाला जो गर्भगृह वाला ऊपर वाला एरिया रहता है, उसके बाहर का एरिया जो रहता है वो मंडप कहलाता है। समझ गए? और एकदम बाहर यहाँ पर इसको जागती कहते हैं। क्या कहते हैं? जागती कहते हैं इस जगह को, जागती कहते हैं जहां से तुम मंदिर के अंदर एंटर करते हो। एकदम ऊपर में देखना एक झंडा लहराता है, हर मंदिर में होता है ये, नॉर्थ इंडिया के हर मंदिर में एक झंडा लहराता है ऊपर। तुमने जगन्नाथ मंदिर में भी देखा होगा, आसपास के अपने मंदिरों में भी देखते होगे। उसको ध्वजा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वजा। ध्वजा के जो नीचे है, नीचे में एक कलश रखा रहता है। क्या रखा रहता है? कलश रखा रहता है। उसके बाद ये जो बना होता है ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं इसको? शिखर कहते हैं। ये जो शिखर है ये कुछ मंदिरों का छोटा होता है, कुछ मंदिरों का बड़ा होता है। समझ गए? शिखर। ये जो अंदर है जहां पर भगवान विराजमान होते हैं उसको गर्भ गृह बोला जाता है। और जो तुम लोग चारों तरफ घूमते हो ना मंदिर के, जो चारों चक्कर लगाते हो जो, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है ये, ना ध्यान रखना इसका भी, क्वेश्चन कई बार इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब भारत के संविधान के बारे में और दो पॉइंट देख लेते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे लंबा लिखित संविधान, इससे लंबा लिखित संविधान जो है वो दुनिया में किसी भी देश का नहीं है। भारतीय संविधान का जो प्रकाशन, यानी कि जो पब्लिकेशन, ऐसे किताब पब्लिश किया जाता है ना, उसी तरीके से भारत के संविधान की किताब का जो प्रकाशन है वो देहरादून में किया गया था। कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था, जहां पर एक बार में 1000 प्रतियां इसकी छापी गई थी और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लिथोग्राफ इसका किया गया था। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भारत के संविधान की जो कॉपियां हैं पहली बार कहां पर छापी गई थी और कितनी छापी गई थी, बोला पहली बार में 1000 प्रतियां छापी गई थी और उत्तराखंड के देहरादून में ये प्रतियां छापी गई थी, ध्यान रखना इसको। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? इसका क्या आंसर होगा? चलो 50 लाइक हो जाने चाहिए, इतना कम क्यों दिख रहा है? रो रो के लाइक कर रहे हो आज, इतना रोना क्यों आ रहा है? 12 बचे हैं बस, कौन है वो 12 लोग? देखो यहाँ, गुड मॉर्निंग, लेट हो गए संजय, है ना? देखो यहाँ पे 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव जो है इसका आयोजन अभी हुआ है कहां पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में हुआ है इसका आयोजन, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अयोध्या के बारे में जितनी भी चीजें हैं सब पढ़ लेना। जिन्होंने मूर्ति को बनाया है ना, अरुण योगी राज, वो अपनी मूर्ति पहचान ही नहीं पा रहे थे, बोलते जब मैं अंदर गया मूर्ति को देखा तो मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरे द्वारा बनाई गई है, मैं कंफ्यूज हो गया था, एकदम चेंज हो गया मूर्ति, समझ गए? उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई वगैरह ये सब याद रखना, मूर्ति के जो आसपास है ना, ये बीच में रामलला की मूर्ति, इसके आसपास जो है यहाँ पर 10 अवतारों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है। 10 अवतारों, किसके 10 अवतार है? वो विष्णु जी के 10 अवतार है। ऊपर में सूर्य देवता को रखा गया है, समझ गए? ऊपर में कौन से देवता को रखा गया? सूर्य देवता को रखा गया। अलग अलग अवतारों की भी अलग अलग कहानी है ना, परशुराम का भी रखा गया है मूर्ति, है ना, उसके बाद वामन अवतार का भी है, अलग अलग रखा गया है। उसके बाद कमल के ऊपर मूर्ति को बनाया गया है, कमल फूल के, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से फूल के ऊपर मूर्ति को बनाया गया, बोलना कमल फूल के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। तो अयोध्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को 96वां अकेडमी पुरस्कार जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है? नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, मिल नहीं गया, इसको नॉमिनेट किया गया है। कौन सी पिक्चर है ये? ओपनहाइमर तो ये है नहीं, ओपनहाइमर के बारे में अभी अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, एक अवार्ड जो है उसके लिए इसका नाम आया है, ठीक है, एक अवार्ड के लिए इसका नाम आया। ओपनहाइमर नाम का एक इंसान था जिसने कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब को बनाना शुरू किया था, यूएसए के लिए इसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, है ना, ओपनहाइमर उस व्यक्ति का नाम था, एटॉमिक बॉम्ब का जनक माना जाता है ये, इसके ऊपर तो उस मूवी को भी हाल ही में अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, टू किल अ टाइगर। कौन सी पिक्चर है ये? टू किल अ टाइगर। ये एक बच्ची के ऊपर बनाया गया, एक छोटी सी बच्ची है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाया गया, भारत के ही एक राज्य की बच्ची के ऊपर ये पिक्चर बनी है, ठीक है, टू किल अ टाइगर, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ये मैंने एक दो दिन पहले भी क्वेश्चन करवाया, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, इसका क्या आंसर होना चाहिए? क्या पूछ रहा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, है ना, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है, इसका आंसर जो है वो याद रखना, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? एक युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास का मतलब तो मैंने कई बार बताया है, मतलब अगर कभी युद्ध हो गया तो हम लोग अलग अलग देश के साथ मिलकर कैसे उस युद्ध का सामना करेंगे, तो अलग अलग देश मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं। भारत संप्रीति नाम का युद्ध अभ्यास करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, उसी तरीके से रशिया के साथ इंदिरा नाम का युद्ध अभ्यास करता है, उसके बाद जापान के साथ जो है जीमेक्स नाम का युद्ध अभ्यास करता है, श्रीलंका के साथ मैत्री नाम का युद्ध अभ्यास करता है, स्लिनेक्स नाम का युद्ध अभ्यास करता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है भारत फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, ठीक है। भारत फ्रांस और यूएई ये तीनों मिलकर इस युद्ध अभ्यास को करते हैं साथ में मिलके, है ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। देखो तो तुम्हारी जो एसएससी की क्लास चल रही है हिस्ट्री की और इंग्लिश की अभी चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, रात में 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में इंग्लिश और हिस्ट्री की तुमको लाइव क्लास प्रोवाइड की जा रही है, इसको तुम लोग अटेंड कर सकते हो। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का नाम बताना अगर भूले नहीं हो तो, ठीक है, और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत
कौन से साल में की गई थी ये बताना। पद्म पुरस्कारों में तीन भागों में बांटा गया था, याद रखना। पहले सिर्फ पद्म विभूषण हुआ करता था, बाद में इसको तीन भागों में बांट के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण किया गया है, ठीक है। चलो, सीएमसी इंदौर ऐप को डाउनलोड करना, पेड कोर्सेज, ऑफलाइन क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, डेली करंट अफेयर की क्लास, पीडीएफ, ये सारा कुछ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। जो तुम लोग कोर्सेज परचेस करते हो उसका डेमो लेक्चर भी तुमको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो। सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, नरेंद्र यादव, देखो गुड मॉर्निंग, कितने बजे बोल रहे हो तुम? 8 बजे क्लास खत्म हो गई, अब बताओ 8 बजे आ रहे हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। हैव अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।